अक्सर गजल नाते कितनी। ऑलराइट, तो अभी के टाइम पे कुछ इस टाइप की Spotify वाली वीडियो को आप लोगों ने अपने Instagram के अंदर देखा होगा, और देखा होगा तो यार आपको पता है कि इस टाइप की वीडियो कितनी ज्यादा वायरल होती है। एंड काफी सारे लोग सोचते हैं यार कि हम भी कुछ इस टाइप की वीडियो बनाए, बट उनको क्या है कि उनको आइडिया नहीं होता कि इस टाइप की वीडियो को बनाना कैसे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने कम्प्लीट बताया कि कैसे आप लोग कुछ इस टाइप की Spotify लिरिक वाली वीडियो को क्रिएट कर सकते हो, वो भी काफी कम टाइम में। तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो वीडियो को लाइक से करना। तो चलेगा, हम चलते हैं अपने फोन की स्क्रीन पे और अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाना है आपको अपने फोन की स्क्रीन पे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। तो जैसे यहाँ पर मैं अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। सिंपल से अभी हम न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर मैं पूरी चीजें डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से देखना। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है कि फोटोज वाले ऑप्शन पर चले जाना है। फोटोज वाले ऑप्शन पर जैसे ही जाते हो यहाँ पर आपको एक Spotify की बैकग्राउंड जो होती है उसको ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर देख लो कुछ इस तरीके से है बैकग्राउंड। इस टाइप की बैकग्राउंड काफी सारी मिल जाएंगी आपको, कहाँ पर मिलेंगी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, ठीक है। और ये वाला बैकग्राउंड को भी मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम पर, इस पर भी आप वीडियो को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी सबसे पहले लास्ट में जो वाटरमार्क आता है इसको डिलीट करके इसकी जो लेंथ है, नहीं अभी लेंथ मत खींचना। दूसरे नंबर में क्या करना है, फर्स्ट नंबर पे तो हम बैकग्राउंड ऐड किए हैं Spotify की, दूसरे नंबर पे यहाँ पर क्या करते हैं ऑडियो पे चलते हैं, देन यहाँ पे साउंड पे चलते हैं, ठीक है। और साउंड पे जाने के बाद सिंपल से यहाँ पे आएंगे और यहाँ से हमारा जो सॉन्ग है उसको हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ये देख सकते हो, ठीक है। तो आप ज्यादातर कोशिश करना कि जो आपका ट्रेंडिंग सॉन्ग हो, ठीक है, मतलब जो न्यू सॉन्ग हो उस पर वीडियो क्रिएट करने को सोचना, ठीक है। उस टाइप की सॉन्ग में क्या है आपकी वीडियो वायरल होने का चांस ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो इतना करने के बाद अगर बाहर से नॉइज आ रही है तो इग्नोर करना, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि जहां जो हमारा Spotify का बैकग्राउंड है ना इसको खींच के पूरा इस सॉन्ग तक लेके आना है, ठीक है, जहां तक सॉन्ग है। तो हमारा सॉन्ग है 16 सेकंड तक, तो 16 सेकंड तक मैं लेकर आ चुका हूं। अभी हमें क्या करना है कि सिंपल से अपने इस बैकग्राउंड वाले लेयर पे क्लिक करना है। जैसे ही बैकग्राउंड वाले लेयर पे क्लिक करूंगा सिंपल से अभी आपको क्या करना है कि दोनों फिंगर्स की मदद से ऐसे बैकग्राउंड को जूम करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इतना करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे एक की फ्रेम लगाना है, ठीक है, और आपको क्या करना है सीधा कुछ इस तरीके से इसको नीचे करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, ओके। अब आपको वीडियो के पूरा एंड में चलना है। वीडियो के एंड में जाने के बाद क्या करना है आपको इसको ऊपर की तरफ उठा देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है, परफेक्ट तरीके से उठाना, डन डन। अब ये आपका क्या होना होगा ना, यहाँ पर एक एनिमेशन बन जाएगा। यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपका एनिमेशन देखने को मिलेगा अगर आप की फ्रेम लगाते हो तो, ठीक है ना। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है कि सिंपल से इस वाले एरो पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सिंपल से आपको एक ओवरले का ऑप्शन दिख रहा होगा तो ओवरले पे क्लिक कर देना, देन यहाँ पे ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। उसके बाद गाइस यहाँ पर स्टॉक वीडियोस पर क्लिक कर देना। स्टॉक वीडियो पर जैसे क्लिक करते हो यहाँ पर आपको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड मिल जाएगा, तो इस ब्लैक कलर के बैकग्राउंड को यहाँ पर क्या करना है सिलेक्ट करना और यहाँ से इसको ऐड पे क्लिक कर देना, ठीक है। जैसे गाइस यहाँ पर ऐड पर क्लिक करोगे सिंपल से थोड़ा सा हम क्या करते हैं यहाँ पे क्रॉप करते हैं इसको, तो एडिट पे चलेंगे, एडिट पे जाने के बाद क्रॉप पे चलेंगे और हल्का हल्का सना इसको क्रॉप कर देते हैं कुछ इतना, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो इतना सही है, क्रॉप इतना कर दिए, थोड़ा सा इसको ऊपर उठा देता हूँ, कुछ इतना सही रहेगा, ठीक है, देन डन कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो हमारा ये क्रॉप करके हमने एक बैकग्राउंड को ऐड कर लिया है पर, ठीक है। अभी इसकी जो लेंथ है वीडियो के पूरा एंड तक इसको भी हम रख देंगे कुछ इस तरीके से, ओके। इतना करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड तो ब्लैक कलर में है लेकिन हमें कोई और कलर चाहिए, तो और कलर कैसे आप चेंज कर सकते हो इसके लिए गाइज आपको यहाँ पर क्या करना है, इधर की तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक एडजस्ट का ऑप्शन, एडजस्ट पे आना, इधर की तरफ जाना यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा कहाँ पर, ये ग्राफ का, तो ग्राफ पर क्लिक करना। यहाँ पर आप तीन कलर्स चेंज कर सकते हो, ब्लू, ग्रीन, रेड। तो अगर आप ब्लू पे जाके जाते हो इसको पूरा ऊपर करते हुए नीचे वाले कप को पकड़ के तो पूरा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसी तरीके से कलर चेंज कर सकते हो, तो मैं हल्का सा डार्क ब्लू रखता हूँ कुछ इतना, ठीक है, देन डन करेंगे यहाँ से, एंड यहाँ से भी डन कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ कुछ इतने में, ओके, बिल्कुल परफेक्ट है। इतना करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो हमने यहाँ पर एक यहाँ पर बैकग्राउंड को भी ऐड कर दिया है। अभी गाइज क्या करना है हमें, यहाँ पे ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पे चलना है, ठीक है,
एंड यहाँ से गाइज आपको क्या करना है, एक स्पॉटिफाई की मैं आपको लोगो दे दूंगा, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर सारी चीजें मिल जाएगी टेलीग्राम पर, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेलीग्राम लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, ठीक है। तो अभी सिंपल से क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से छोटा करना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इसको कुछ इस टाइप से यहाँ पे परफेक्ट तरीके से छोटा करके सेट कर देना है, ठीक है, यहाँ पे अच्छी तरीके से करना है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से। तो यहाँ पर कुछ इतना, तो भाई अगर सेट कर रहे हो ना तो भाई एक बार में करना, दोबारा अगर करोगे तो हैंग मारेगा ये, देख सकते हो कुछ इस तरीके से ना, थोड़ा सा बफरिंग सा होता है। तो इसको मैं डिलीट करता हूँ कुछ इस तरीके से, ऐड वाले पे चलता हूँ, ठीक है, और फिर से इसको ऐड करता हूँ। तो देखना एक बार में ऐड करूंगा तो कितना आसानी से ऐड हो जाएगा, छोटा किया मैंने, ठीक है, एंड इसको देखो उठा के ये किया, ये देख सकते हो, देखो कितना मस्त तरीके से ऐड हो चुका है। अभी सिंपल से क्या करना है, इसकी भी जो लेंथ है वीडियो के एंड तक, ठीक है, मतलब आप हमारे सॉन्ग के एंड तक, इतना करने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है कि सिंपल से ऐड ओवरले वाले ऑप्शन पर फिर से जाना है, और यहाँ पर आपको फोटो ऐड करना है अपने, ठीक है, तो फोटो ऐड कर लेना। फोटो ऐड करने के बाद सिंपल से थोड़ा सा हम इसको क्रॉप करते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पिट साइज हमारा नहीं है ये, तो हम क्रॉप पे आएंगे और कुछ इस तरीके से इसको हम क्रॉप करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इतने में, अबे यार हो जा, हाँ कुछ इतने में थोड़ा सा क्रॉप करेंगे कुछ इस तरीके से। क्रॉप करने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है कि परफेक्ट तरीके से ना इसको सेट करना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो मैंने किया, तो इसको परफेक्ट तरीके से हम यहाँ पे सेट कर देंगे। सेट करने के बाद गाइज अभी आपको क्या करना है, इसकी जो भी जो लेंथ है पूरा वीडियो के एंड तक ले जाना कुछ इस तरीके से, ठीक है, और अभी आपको क्या करना है कि सिंपल से अपने इस फोटो वाले लेयर पे क्लिक करना है और इधर की तरफ जाना है, ठीक है, इधर की तरफ जैसे जाओगे 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 कुछ इस तरीके, तो यहाँ पर आपको मिलेगा मास्क, मास्क पे क्लिक कर देना, ठीक है, मास्क पे जैसे क्लिक करते हो स्प्लिट पे क्लिक करना और इसको कुछ इस तरीके से पकड़ के इसको रोटेट करके ना कुछ इस तरीके से सीधा करना, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से सीधा कर देना, तो सीधा हो जा भाई ये, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट, चलो कोई बात नहीं, हल्का सा तिरछा है लेकिन चल जाएगा, ठीक है। अब इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पे लाना, ठीक है, यहाँ तक, और हल्का से इस एरो को पकड़ के खींच देना कुछ इतना, थोड़ा सा और इधर की तरफ कर लेता हूँ, कुछ इतना कर देता हूँ, ठीक है, देन डन कर देंगे। डन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम यहाँ पर फेड लुक आ चुका है, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा इधर की तरफ चलते हैं, ठीक है, और इधर की तरफ जैसे ही जाएंगे ना तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ओपेसिटी का ऑप्शन, तो ओपेसिटी पे क्लिक करना, ओपेसिटी को हल्का सा कम कर देना, ठीक है, -60%, देन डन, ओके। इतना करने के बाद गाइज अब यहाँ पर देख सकते हो सारी चीजें बहुत ही परफेक्ट तरीके से हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है कि अपना लिरिक लिखना है, तो लिरिक अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो टेक्स्ट पर जाके, लेकिन मैं लिरिक अगर लिख लिख कर दिखाऊंगा तो काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है यार। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ओवरले मैंने डाउनलोड किया था, बोले तो एक ब्लैक स्क्रीन डाउनलोड किया था, ब्लैक स्क्रीन लिरिक का, ठीक है, तो उस लिरिक को, ब्लैक स्क्रीन वाले लिरिक को यहाँ पर ले आया हूँ। ब्लेंड पे चलेंगे सबसे पहले, और ब्लेंड पे जाने के बाद इसको मैं कर दूंगा लाइटन, लाइटन करने के बाद डन कर दूंगा, हल्का से इसको बड़ा करते हैं और यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे परफेक्ट तरीके से सेट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ मैं और इसको बीच में सेट करते हैं कुछ इतने में, ठीक है, देन डन। अब अगर मैं यहाँ पे इसका क्या करता हूँ ना, इसका साउंड जो है वो मैं बंद कर देता हूँ, बिकॉज मैंने पहले ही सॉन्ग को ऐड कर दिया था, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरीके से लिरिक अभी चलेगा, अभी मैं फाइनल वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो अब इतना करने के बाद क्या करना है कि अपने सिंपल से सबसे पहले जो आप लोगों ने बैकग्राउंड ऐड किया था स्पॉटिफाई का, उस पर क्लिक करना है, करने के बाद इधर की तरफ जाना, ठीक है, और यहाँ पर एडजस्ट पे क्लिक करना, एडजस्ट पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पे सैचुरेशन पे क्लिक करना और सैचुरेशन पूरा -50 कर देना, ठीक है, डन डन। फिर से वीडियो के एंड में आना कुछ इस तरीके से, एंड फिर से एडजस्ट पे जाना, सैचुरेशन पे जाना, इसको पूरा माइनस कर देना, ठीक है, देन डन। अब यहाँ पर देख सकते हो गाइज जो हमारी स्पॉटिफाई वाली वीडियो थी वो कम्प्लीटली रेडी हो चुकी है, देख सकते हो 5-6 लेयर्स नीचे लगे हैं तब यहाँ पर जाके हमारी वीडियो क्रिएट हो पाई है। अभी सिंपल से इस एरो पे क्लिक कर दूंगा तो सारे लेयर मर्ज हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर मैं आपको वीडियो को प्ले करके दिखाऊं तो यहाँ पर गाइज आप लोग वीडियो देख सकते हो, बहुत ही इजी स्टेप्स में यहाँ पर स्पॉटिफाई वाली वीडियो को आप लोगों ने क्रिएट कर लिया। अगर चाहो आप लोग तो और भी क्रिएटिव कर सकते हो, ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पर बता दिया कि कैसे आप लोग इजिली बना सकते हो, आप अपना दिमाग लगा के और भी ज्यादा क्रिएटिव तरीके से बना सकते हो इस टाइप की स्पॉटिफाई वाली वीडियो को, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होगे कि सारी चीजें आपको कैसे करनी है। अब सिंपल से इस एरो पे क्लिक करना और ये जो वीडियो है ना गाइज आपकी गैलरी के अंदर सेव होना स्टार्ट हो जाएगी और आप इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कहीं पर भी पोस्ट कर सकते हो या फिर अपना इंस्टाग्राम पर पेज बना के इसी तरीके की स्पॉटिफाई वीडियो को अपलोड करके अच्छे खासे फॉलोवर गेन कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर
जरूर से बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करना। बाकी मैं मिलता हूँ किसी ऐसी कमाल के इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत।